दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। आपको शायद घरेलू बहू चाहिए थी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बस कुछ दिनों की बात है, तुम मैनेज कर लो प्लीज़। परिया रुद्र हाथ जोड़े परिया के सामने खड़ा था। रुद्र तुम जो कर रहे हो उसे धोखा देना कहते हैं। वैसे ही मम्मी जी और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है और अब तुम चाहते हो कि मैं उनसे झूठ बोलूं। परिया नाराजगी से बोली, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ दिनों की बातें मैनेज कर लो। अगर मम्मी को पता चला कि तुम ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाती हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रुद्र परिया को समझाने लगा, रियली रुद्र ये कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रही हूँ तो ड्रेस भी फॉर्मल ही होगी। अगर मैं साड़ी और सूड़ी पायल पहनकर ऑफिस जाऊंगी तो सब मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे। परिया अब जलाते हुए बोली, उसका भी उपाय मैंने सोच लिया है। मैंने सोनम भाभी से बात कर ली है, तुम उनके घर जाकर ड्रेस बदल लेना फिर ऑफिस चले जाना। और आते समय भी तुम पहले भाभी के घर जाकर चेंज करके घर आ जाना। रुद्र ने परिया को उपाय भी बता दिया। दो दिन बाद रुद्र की मम्मी दीपा जी आ गई। परिया को साड़ी सूड़ी और साज श्रृंगार में देखकर बहुत खुश हो गई और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे डाला। मैंने सोचा नहीं था कि तू मुझे इस रूप में मिलोगी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, सदा खुश रहो। मम्मी आप खुश तो हो ना। दीपा जी को उनका कमरा दिखाते हुए रुद्र पीछे से गले लगकर बोला, हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये क्यों पूछ रहा दीपा जी? रुद्र के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, मैं जानता हूँ कि परिया आपकी पसंद नहीं है, फिर भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए आपने उसे बहुत स्वीकार कर लिया। लेकिन पापा जी शायद अभी भी नाराज है, इसीलिए वो नहीं आए। रुद्र ने अपना डर बताया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अब अचानक तेरे छोटे को कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला और तू तो जानता है कि पापा के बिना उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही दोनों आएंगे। मैंने कहा कि मैं नहीं रुक सकती रुद्र से मिले बिना, इसलिए मैं आ गई ताकि तुम्हारे और परिया ज़्यादा वक्त बिता सकूं। बात करते करते दीपा जी ने बैग से रुद्र और परिया के लिए लाए सामान को निकाल कर रुद्र को दिया कि बाहर ले आए। परिया को सब सामान देकर दीपा जी घर का निरीक्षण करने लगी। घर का हर कोना एक अलग ही कहानी कह रहा था। घर में दीपा जी को एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ जिसे महसूस कर दीपा का मन खिल गया। उसने किचन में काम कर रही परिया को देखा और सोचने लगी, रुद्र ने सही कहा था कि परिया उसके लिए परफेक्ट है, साकर में भी उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ सकती। किचन में दीपा जी को देख परिया मुस्कुराई और फिर दोनों में छोटी छोटी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो उनकी बात ख़त्म ही नहीं हुई। शनिवार और रविवार छुट्टी होने से सब ने खूब मस्ती की, लेकिन सोमवार को परिया तनाव में आ गई कि अब कैसे मैनेज होगा। वह अभी भी यही सा रही थी कि दीपा जी को सच बता देना चाहिए, लेकिन रुद्र ने उसे अपनी कसम देकर रोक दिया। ऑफिस जाने से पहले परिया दीपा जी के पास गई तो उसे देखकर दीपा हंसने लगी। उसे हंसता देख परिया थोड़ी सहज हो गई। मम्मी जी क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़। दीपा जी परिया का हाथ पकड़कर रुद्र के पास आए। रुद्र तुमने कहा था कि परिया बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन आज इसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही कि इसकी स्मार्टनेस तुम्हारे साथ रहते रहते खत्म हो गई या फिर दीपा जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्यों
मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही है? परिया से कुछ गलती हो गई क्या? रुद्र डर गया। कहीं परिया ने सच तो नहीं बता दिया? परिया सच सच बताना, तुम रोज ऑफिस ऐसे ये साड़ी और सूड़ी पहन कर जाती हो या फिर मेरे यहाँ रहने से ये सब पहन कर जा रही हो? दीपा जी अचानक से सीरियस होकर बोली। मम्मी जी वह परिया बोल ही रही थी कि रुद्र उसे आंखें दिखाता हुआ बीच में बोल पड़ा, हाँ मम्मी ये ऐसे ही ऑफिस जाती हैं, अच्छी लग रही है ना? नहीं मम्मी जी, मैं ऑफिस ऐसे नहीं जाती हूँ, मेरे ऑफिस की फॉर्मल ड्रेस है वही पहन कर जाती हूँ। ये मैंने आपके लिए पहना है ताकि आपको अच्छा लगे और आप मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे। परिया ने सच सच बता दिया। और ये सब करने को तुम्हें रुद्र ने कहा होगा? दीपा जी ने सवाल किया। परिया ने रुद्र की तरफ देखा और फिर दीपा जी का हाथ पकड़कर बोली, हाँ रुद्र ने ही कहा था, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था। वो नहीं चाहता था कि आपके दिल में मेरे लिए कोई गलत छवि बने। आपको शायद कोई घरेलू बहू चाहिए थी, लेकिन मैं मम्मी जी मैं शायद आपकी पसंद जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं रिश्तों की अहमियत अच्छे से जानती हूँ और साथ में अपने काम को भी उतनी ही अहमियत देती हूँ। पिछले 2 दिनों में मैंने दिल से अपना बेस्ट दिया, आज भी मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन रुद्र के लिए और आपकी खुशी के लिए मैं तैयार हो गई। दीपा जी ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखा और फिर परिया से बोली, जाओ वह कपड़े पहन कर आओ जो ऑफिस पहन कर जाती हो। थोड़ी देर बाद परिया फॉर्मल ड्रेस में खड़ी थी, साड़ी की जगह ब्लेजर और पैंट, सूड़ी की जगह 2 कंगन, पैरों में स्नीकर, अच्छी तो लग रही हो इस ड्रेस में भी, दीपा जी ने कहा तो रुद्र और परिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माना कि तुम आज के जमाने की बहू हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम भी आज के जमाने की सास से जो जानती है कि बहू को नफरत और बंधन से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से अपना बनाया जाता है। दीपा जी ने परिया के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, वह बहू को प्यार कर रही और बेटे को भूल गई। रुद्र झूठी उलाना देने लगा तो दीपा जी ने उसके कान पकड़ कर कहा, ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुमने मेरी बहू से झूठ बोलने को कहा। दीपा जी की बात सुन परिया और रुद्र उनके गले लग